हेलो एवरीवन, वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ आरएच फैक्टर इन आवर प्रीवियस क्लास एंड टाइप्स ऑफ सॉरी आरएच फैक्टर और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स एंड्रोगम। टुडे वी विल स्टडी आवर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, कल अपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस पढ़ा था और रोगम पढ़ा था, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए जो रोगम का इंजेक्शन है उसके बारे में पढ़ा था, और आज अपन पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। देखो, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड प्रोडक्ट लाइक प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एट्सेट्रा फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मतलब ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड का जो ट्रांसफ्यूज़न है, मतलब ब्लड के जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि प्लेटलेट्स हो या फिर प्लाज्मा हो, इनका किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ्यूज़न करना ही क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाई, एक व्यक्ति से ब्लड दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ्यूज़न क्यों किया जाता है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, कौन सी ऐसी नेसेसिटी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड है जो उसको ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है, देखो, ड्यूरिंग इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग। ड्यूरिंग इंजरी, जैसे मान लो किसी के चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लग गई और उससे क्या हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई, ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया, तो मतलब जो नॉर्मल रेंज होती है, मतलब ब्लड की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना रिक्वायरमेंट, मतलब वो पूरी नहीं होती बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, उसको ब्लड है वो देना पड़ेगा। तो एक तो ये रीज़न होगा ड्यूरिंग इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग, कोई चोट लग जाती है सीवियर, तो जिससे ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे ब्लड है वो व्यक्ति में कम हो जाता है, इसलिए उसको ब्लड है वो चढ़ाना पड़ता है। एक तो ये रीज़न है। सेकंड रीज़न है, इन सीवियर ब्लड डिफिशियंसी इन द बॉडी, बॉडी के अंदर मतलब कोई गंभीर, मतलब ब्लड की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए व्यक्ति के अंदर, तो उस वजह से चढ़ाना पड़ता है। थर्ड है, ड्यूरिंग सर्जरी, जैसे मान लो ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो ऑपरेशन होगा तो ब्लड कम होगा वैसे भी, तो और ऑपरेशन में जैसे मान लो ब्लड कम हो गया तो उस टाइम भी फिर ब्लड है वो चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सर्जरी के लिए नॉर्मल रेंज में ब्लड होना बहुत ज़रूरी होता है, अगर उतना नहीं है तो उसका ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड रीज़न है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, जो व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित हो उसको, ठीक है, क्योंकि जिसको हीमोफीलिया हो जाता है उससे ब्लड है वो क्लॉटिंग नहीं हो पाती इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड है वो लगातार नॉर्मल चोट में ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाता है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें जो आरबीसीज है वो सिकल के जैसी हो जाती हैं, टेढ़ी घूम जाती हैं, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में देखो मतलब कैसे करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे, ब्लड कलेक्शन, ब्लड का कलेक्शन किया जाएगा। कैसे, आफ्टर कंप्लीट हेल्थ इन्फेक्शन द ब्लड ऑफ डोनर इज़ कलेक्टेड, सारे जो कंप्लीट हेल्थ जो मतलब चेकअप होता है वो करने के बाद में, कंप्लीट जो हेल्थ का चेकअप होता है वो करने के बाद में ब्लड ऑफ डोनर इज़ कलेक्टेड इन स्टेरिलाइज, तो जो ब्लड है डोनर का उसको कलेक्ट किया जाएगा इन स्टेरिलाइज जर्म फ्री जो एंटीकोगुलेट कंटेनिंग कंटेनर जो होते हैं, एंटीकोगुलेट जिसके अंदर ब्लड है वो जमता नहीं है, कोगुलेट नहीं होता, ठीक है, और जर्म फ्री होता है उसके अंदर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कलेक्टेड ब्लड इज़ रेफ्रिजरेटेड इन वेयर हाउस, और उस कलेक्टेड ब्लड को रेफ्रिजरेट किया जाता है वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, फ्रॉम रेसिस्ट, किसके के लिए, फ्रॉम रेसिस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उनके रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो टेस्ट है वो भी ऑल्सो परफॉर्म, वो भी किया जाता है कलेक्टेड ब्लड का। मैनी अदर टेस्ट, कई और टेस्ट हैं जैसे कि ब्लड ग्रुप टेस्ट है, आर एच फैक्टर टेस्ट है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे जो टेस्ट हैं वो भी किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रांसफ्यूज़न, ट्रांसफ्यूज़ मतलब कैसे किया जाएगा ब्लड को ट्रांसफ्यूज़, उसके अंदर कैसे किया जाता है,
बिफोर दिस प्रोसेस पेशेंट ब्लड मैच विद डोनर ब्लड, इस प्रोसेस से पहले जो ब्लड है वो मैच किया जाएगा डोनर के ब्लड से, ठीक है। कलेक्टेड ब्लड कैन बी टेकन आउट 30 मिनट्स बिफोर फ्रॉम वेयर हाउस, जो ब्लड कलेक्ट है अपने पास वेयर हाउस में उसको 30 मिनट पहले वेयर हाउस से बाहर निकालते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस इज डन बाई एन इंट्रावेनस इंस्ट्रूमेंट, ब्लड ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है वो की जाती है, एक इंट्रावेनस इंस्ट्रूमेंट आता है, आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल पे मिलता है, जो वो मतलब वो लगाते हैं उससे मतलब ब्लड जो है वो चढ़ाते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब वेंस में चढ़ाया जाता है ब्लड को, उसका नाम होता है इंट्रावेनस इंस्ट्रूमेंट, जो मेडिकल पे मिलता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना तब वो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, ठीक है। इट विल टेक 1 to 4 hours ऑफ टाइम, तो अब जैसे ब्लड चढ़ाते हैं ना तो कम से कम 1 to 4 hours तक लगते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 4 hours के अंदर अंदर ब्लड है वो चढ़ जाता है। मे अकर इन द पेशेंट बॉडी लाइन, और उस टाइम मतलब 1 to 4 hours तक, मतलब पेशेंट को बुखार भी आ सकता है, ठंड भी लग सकती है, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब जो हार्ट बीट है वो भी इरेगुलर हो जाए, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दिस कंडीशन आर कंट्रोल्ड बाई द मेडिसिन गिवन बाई द डॉक्टर, और ये जो कंडीशन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, डॉक्टर है वो मेडिसिन देता है, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, मतलब रिसीवर को, जो पेशेंट जो लेता है उसको, ये जो प्रॉब्लम होती है ये नॉर्मली है, ये हो सकती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर है वो कर देता है, वो मेडिसिन उसको दे देता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइप्स देखो, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न और दूसरा है ओलोजेंस ट्रांसफ्यूज़न। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है, देखो, इन दिस टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ब्लड इज़ इन्फ्यूज्ड टू द बॉडी टेकन फ्रॉम सम डोनर्स, इस टाइप के ट्रांसफ्यूज़न के अंदर ब्लड जो है इन्फ्यूज़ किया जाएगा, डाला जाएगा किसमें, बॉडी टेकन फ्रॉम सम डोनर, कुछ डोनर से ब्लड लिया जाएगा और बॉडी में डाला जाएगा। उसके बाद एलोजेंस ट्रांसफ्यूज़न, ये क्या होता है, देखो, इन दिस टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कलेक्टेड एंड री इन्फ्यूज़न इज पेशेंट बॉडी, मतलब इन दिस टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मतलब इस टाइप के ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में कलेक्टेड एंड री, मतलब ब्लड उसी व्यक्ति का कलेक्ट किया हुआ ब्लड होता है उसको दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर री इन्फ्यूज़ किया जाता है। देखो, डोनेटेड ब्लड कैन बी प्रोसेस्ड एंड आइसोलेटेड, जो डोनेट किया हुआ ब्लड होता है उसको आइसोलेट करते हैं। दिस प्रोसेस्ड ब्लड इज़ डिवाइडेड इंटू इट्स डिफरेंट, अलग अलग जैसे डिवाइड किया जाता है उसको, RBC, प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है, आर सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया जाता है एंड रेफ्रिजरेशन फॉर द फर्दर यूज़, और बाद में इनको फर्दर यूज़ के लिए रेफ्रिजरेशन कर दिया जाता है इसका, ठीक है। एलोजेनिक में तो कुछ डोनर से ब्लड है वो रिसीवर को दिया जाता है, एलोजेंस में खुद का ही ब्लड है वो कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको वापस रिट्रांसफ्यूज़न है वो किया जाएगा। उसके बाद है प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं उस टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस है वो लेने चाहिए। फर्स्ट है मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप इज मस्ट, सबसे पहले ब्लड ग्रुप है वो मैच होना चाहिए। देन सेकंड, टेस्ट ऑफ पैथोजेंस एंड हार्मफुल एलिमेंट्स आर मस्ट बिफोर एंड आफ्टर डोनेशन, टेस्ट ऑफ पैथोजेंस, जो पैथोजन है या हार्मफुल जो एलिमेंट्स हैं उनका टेस्ट है वो पहले और डोनेशन के बाद में दोनों टाइम होना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड है कलेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर, मतलब ब्लड है वो किसी से, अपन जैसे कोई डोनेट कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा है तो वो कलेक्ट कर रहे हैं अपन, तो वो कलेक्शन और ट्रांसफ्यूज़न मतलब किसी को ब्लड चढ़ा रहे हैं तो वो डॉक्टर की प्रेजेंस में ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर कोई करने लग गया, ठीक है। देन लास्ट है स्टोरेज ऑफ ब्लड शुड बी कम्प्लीटली हाइजेनिक, स्टोरेज है ब्लड का वो कम्प्लीटली हाइजेनिक, मतलब साफ़ सफाई से होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सफाई से होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड में कुछ भी हो गया, इन्फेक्शन वगैरह या जम्स वगैरह हो गए तो वो जो रिसीवर है उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो ये जो प्रिकॉशंस हैं हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्यूज़न के टाइम पे रखने चाहिए। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या स्टडी किया है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में अपन ने स्टडी किया है। सॉरी, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में देखो ट्रांसफ्यूज़न है ब्लड का, कैसे क्या होता है ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न, जैसे कि प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, इनका एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ्यूज़न करना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ड्यूरिंग इंजरी या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग, सीवियर ब्लड डिफिशियंसी बॉडी के अंदर, ड्यूरिंग सर्जरी हो जाएगा, ड्यूरिंग सफरिंग फ्रॉम हेमोफीलिया या सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले क्या होगा, ब्लड कलेक्शन कैसे किया जाता है, तो ब्लड कलेक्ट करने से पहले स्टेलाइज जम फिली एंटीकॉगुलेट कंटेनर होता है, उसके अंदर उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर उसको कलेक्ट करने के बाद वेयर हाउस में रेफ्रिजरेट किया जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको रेसिस्ट करना होता है। काफ़ी सारे टेस्ट हैं वो कलेक्ट करने से पहले किए जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम टेस्ट होता है वो भी किया जाता है, और ब्लड ग्रुप टेस्ट, आरएच फैक्टर टेस्ट, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद में ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो कलेक्टेड ब्लड होता है उसको आधे घंटे पहले और वेयर हाउस से बाहर निकालना होता है, और उसको फिर उसको ट्रांसफ्यूज़न के लिए इंट्रावेनस इंस्ट्रूमेंट आता है उससे उसको ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। 1 से 4 घंटे लगते हैं ट्रांसफ्यूज़न में। इसमें जो पेशेंट है उसको फीवर या फिर उसको ठंड लग सकती है या फिर हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है, तो ये सारे इसके लिए जो डॉक्टर है वो मेडिसिन है वो दे देता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अपन ने ट्रांसफ्यूज़न के टाइप्स पढ़े हैं जिसमें एलोजेनिक है और एलोजेंस है। एलोजेनिक के अंदर जो कोई भी डोनर है वो ब्लड है वो देता है रिसीवर को, वो एलोजेनिक हो गया। एलोजेंस के अंदर खुद का ही कलेक्ट किया हुआ ब्लड है वो दोबारा से रीइन्फ्यूज़ किया जाता है, और डोनेटेड जो ब्लड होता है उसको आइसोलेट किया जाता है, मतलब आरबीसी, प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स वगैरह हैं उनको सेपरेट करके रेफ्रिजरेट किया जाता है फर्दर यूज़ के लिए। फिर प्रिकॉशंस है वो क्या क्या रखने हैं ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर, मतलब सबसे पहले ब्लड ग्रुप है वो मैच करना चाहिए, पैथोजन और हार्मफुल एलिमेंट्स है उनका टेस्ट होना चाहिए, और ट्रांसफ्यूजन कलेक्शन और ट्रांसफ्यूजन है वो डॉक्टर की प्रेजेंस में होना चाहिए, और कम्प्लीटली है वो हाइजेनिक होना चाहिए ब्लड का जो स्टोरेज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।